Hello friends, myself Ravi Bhardwaj and you are watching my YouTube channel CSE Tours for You. So friends, in this tutorial we will discuss about the unguided media, that is wireless media. So friends, मैंने आपको पिछले tutorial में guided media के बारे में बताया था कि वो क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। अगर हमें guided media मतलब wired media के through communication करना होता है तो वहाँ पर तीन प्रकार के cables होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल, जो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल के अंदर बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो पर जा करके हमारे इस वीडियो को देख लें। आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर वायरलेस मतलब अनगाइडेड मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अनगाइडेड मीडिया मतलब ऐसा मीडिया होता है जो वेव फॉर्म में फ्री स्पेस में काम करता है, जिसे हम लोग गाइड नहीं करते हैं, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में बिना किसी वायर के कनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो ऐसा मीडिया होता है हमारा वायरलेस या फिर अनगाइडेड मीडिया कहलाता है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा अनगाइडेड या फिर वायरलेस मीडिया होता है वो 3 kHz से 900 THz ये फ्रिक्वेंसी, ये जो रेंज होती है इसके बीच में हमारा काम करता है, जिसे आपको इस डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। उससे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया कितने प्रकार का होता है, मतलब जो हम लोग डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं वायरलेस थ्रू, तो वो कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो तीन प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम उस डेटा को रेडियो वेव के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, या तो उस डेटा को माइक्रोवेव के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, या तो उस डेटा को इंफ्रारेड के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। आगे हम देखते हैं, तो ये मैंने आपको बताया ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन। तो वायरलेस ट्रांसमिशन हम तीन प्रकार से कर सकते हैं, रेडियो वेव के थ्रू, माइक्रोवेव के थ्रू और इंफ्रारेड के थ्रू। जो आपको इस डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि ये जो रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड है तो कितने रेंज के बीच काम करती है। अब देखिए, जो हमारे रेडियो वेव या फिर माइक्रोवेव होते हैं वो 3 kHz से 300 GHz के बीच में काम करती है। जो हमारा इंफ्रारेड होता है वो 300 GHz से 400 THz के बीच काम करता है। और जबकि जो हमारा लाइट वेव होता है वो जो सबसे ज्यादा फास्ट होता है वो हमारा 900 THz तक काम करता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे पिछले ट्यूटोरियल में बताया था ट्रांसमिशन मीडिया में वायरलेस वायर्ड मीडिया के बारे में, तो वायर्ड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल में जो सबसे ज्यादा हाई स्पीड होता है वो होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल का। बट अगर हम लोग वायरलेस मीडिया की बात करें तो जो सबसे ज्यादा गाइडेड हो या अनगाइडेड हो, तो सबसे ज्यादा जो हाई स्पीड होता है वो वायरलेस मीडिया में ही होता है, लाइट वेव के अंदर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको इस चीज को इस टेबल के थ्रू बताया हुआ है, यहाँ पर आपको बैंड के बारे में बताया हुआ है कि कहाँ कितने कितने फ्रिक्वेंसी के अंदर यूज की जाती है, उसका रेंज बताया है कि ये सारे किस फ्रिक्वेंसी में यूज की जाती है, उसका प्रपोगेशन है और उसके एप्लीकेशन है कि उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट है VLF मतलब वेरी लार्ज फ्रिक्वेंसी, जो 3 से 30 kHz रेंज के अंदर काम करती है, ग्राउंड में काम करती है, और ये हम लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन के अंदर करते हैं। सेकेंड होता है अपना LF मतलब लो फ्रिक्वेंसी, तो ये 30 kHz से 300 kHz के बीच काम करता है, ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड में ही काम करता है, और इसका यूज हम लोग रेडियो बीकन एंड नेविगेशन लोकेशन लोकेटर के लिए करते हैं। नेक्स्ट होता है MF, MF मतलब मिडिल फ्रिक्वेंसी, तो जो मिडिल फ्रिक्वेंसी होता है वह अपना 300 kHz से 3 MHz के बीच काम करता है, स्काई के थ्रू कार्य करता है, और ये हम AM रेडियो के यूज के लिए यूज करते हैं। जो हमारा AM रेडियो होता है वो हमारा 300 kHz से 3 MHz के फ्रिक्वेंसी के बीच काम करता है। नेक्स्ट होता है HF, HF दैट मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी, तो जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी होता है वो 3 MHz से 30 MHz के बीच काम करता है, ये भी स्काई में काम करता है, और इसका यूज हम लोग एयरक्राफ्ट के अंदर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं VHF, VHF मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होता है वो 30 MHz से 300 MHz के बीच काम करता है, और ये हमारा स्काई एंड लाइन ऑफ साइट के हिसाब से काम करता है, और ये VHF TV और FM रेडियो के अंदर काम करता है। नेक्स्ट होता है UHF मतलब अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, जो 300 MHz से 3 GHz के बीच का होता है, जो लाइन ऑफ साइज
के ऊपर काम करता है और ये UHF टीवी सेलुलर फोन पेजिंग सैटेलाइट्स में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट होता है SHF। तो जो हमारा SHF होता है वो सुपर हाई फ्रिक्वेंसी जो 3 GHz से 300 GHz के बीच की यूज की जाती है, ये भी लाइन ऑफ साइट के ऊपर काम करता है और इसे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज करती हैं करते हैं। नेक्स्ट होता है EHF मतलब एक्सटेंडली हाई फ्रिक्वेंसी जो 30 GHz से 300 GHz के भी काम करता है, ये भी लाइन ऑफ साइट के ऊपर काम करता है और इसके लिए हम लोग रडार या सैटेलाइट्स के अंदर करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे वायरलेस टेक्नोलॉजीज और उनके ब्रांड्स की हम इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमें डेटा का ट्रांसमिशन करना होता है तो हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव या इंफ्रारेड्स के थ्रू ही या लाइट वेव के थ्रू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजीज जो हमको सबसे ज़्यादा फास्ट हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल को नहीं देखा है तो हमारे उस पिछले ट्यूटोरियल्स को देख लें ताकि आपको कंप्यूटर फंडामेंटल एंड IT के बेसिक्स क्लियर हो जाएं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।